नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बॉलीवुड की फिल्म हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म, मनोज वाजपेयी की अभिनय कला का लोहा हर जगह लोग मान रहे हैं। बता दें कि उनकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फैमिली मैन को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं, मनोज वाजपेयी असल जीवन में भी फैमिली मैन है। उन्होंने अंतर धर्म यानी इंटर रिलीजन विवाह किया है। मनोज वाजपेयी की पत्नी जो है वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हैं। मनोज वाजपेयी ने कहा कि वो और उनकी पत्नी शबाना रजा एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। जिस तरीके से वो एक प्राउड हिंदू हैं, उसी तरीके से उनकी पत्नी प्राउड मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि वो दोनों आपस में कभी धर्म को लेकर विचार विमर्श या चर्चा नहीं करते हैं। साथ ही मनोज वाजपेयी ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं और धर्म से ऊपर उठकर हम एक दूसरे की पति पत्नी के तौर पर वैल्यू करते हैं। मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में अपने खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सीक्रेट बताते हुए कहा कि मेरी शबाना के साथ शादी धर्म से अधिक उन मूल्यों के बारे में है जो हम साझा करते हैं और उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ये अनकहे हैं। कल अगर हम में से कोई एक अपने मूल्यों को बदल देता है तो हमारी शादी नहीं चलेगी। मनोज से जब पूछा गया कि अंतर धार्मिक संबंधों के बारे में कोई बात फैमिली मेंबर्स के बीच हुई तो एक्टर ने कहा, अगर हुआ होगा तो मुझे बताया नहीं गया। मैं एक ब्राह्मण सामंती परिवार से आता हूँ। उनका परिवार काफी प्रतिष्ठित परिवार है, लेकिन हैरानी की बात है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भी इसका विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं किया, आज तक नहीं किया। मनोज ने आगे कहा कि मेरी बीवी बहुत धार्मिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, बहुत बहुत स्पिरिचुअल है। वो एक प्राउड मुस्लिम है और मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, लेकिन इससे हमारे बीच में टकराव नहीं होता। धर्म विरोधी किसी भी टिप्पणी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मेरे आसपास के लोगों को इसके बारे में पता है कि ऐसा करने पर उनसे नाता खत्म। भले ही वे मेरी पत्नी के धर्म के बात करते हों, लेकिन मेरे चेहरे पर मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो मैं बहुत सख्त हो जाता हूँ। दोस्तों के बीच भी अगर ऐसी गलत बात होती है जो करनी नहीं चाहिए, मैं इसे ले नहीं पाता। लोग आज भी मेरे टेम्पर के बारे में बात करते हैं। जहां एक तरफ लव जिहाद जैसे विषयों पर खूब चर्चा हो रही है, वहीं ऐसे समय में अंतर धर्म या इंटर रिलीजन शादी करने वाले मनोज वाजपेयी की ये सुलझी हुई बातें लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग देखकर सीख रहे हैं कि अगर उन्होंने अंतर धर्म विवाह किया है तो आपस में पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग मनोज और उनकी पत्नी जैसी ही होनी चाहिए। तो चलिए, मनोज वाजपेयी ने अपने खुशहाल फैमिली जीवन का राज तो जग जाहिर किया है। अब देखना होगा कि इस पर लोग आगे क्या कुछ रिएक्ट करते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।